लंच के अंदर सब्जी के साथ गोश्त चिकन मटन फिश कुछ ना कुछ होना चाहिए या Uh, रोटी ना खाए तो दाल जो है वो आप चम्मच से खा सकते हैं प्रोटीन इनटेक जरूरी है वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हैं मगर उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा होता डाइट के अंदर वो लंच या डिनर मिस करके अपना प्रोटीन इनटेक पूरा नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से उनका वेट लॉस जो है वो सही तरीके से नहीं होता जितनी मर्जी डाइट कर रहे हैं मगर आपके वेट लॉस स्टेप्स पूरे नहीं हो रहे तो उससे भी जो वेट मैनेजमेंट है उसमें मसला आ सकता है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ के अंदर इनकॉपोरेट करेंगे तो आपका स्टक वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा इन चीजों पर थोड़ा सा काम करें हेल्दी स्नैक्स हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं अस्सलाम वालेकुम आज हम बात करेंगे उन टिप्स के हवाले से कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो हंगर को सप्रेस करने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अच्छा वेट लॉस करते हैं लेकिन उनका मसला ये होता है जब उन्हें भूख लगती है तो वो कोई ऐसी गड़बड़ करते हैं जो सोची भी नहीं जा सकती जैसे कि Uh, कोई बहुत ज्यादा मीठा खा लेता है कोई अः uh, जो भी घर में रोटी चावल पड़े होते हैं एक शिफ्ट दोबारा से उसकी लगा लेते हैं तो क्या ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी हंगर को सप्रेस कर सकते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज जिसपे मुझे लगता है अः uh, बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने ये कहना है कि पानी का इस्तेमाल अपना रखें बेसिकली अपना वाटर इनटेक ज्यादा रखें वाटर ने डायरेक्टली वेट लॉस नहीं कराना है सच लेकिन जब आप वाटर इनटेक अच्छा रखते हैं तो फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है और कई दफा ये होता है कि हम अपनी भूख को अपनी प्यास को कंफ्यूज कर रहे होते हैं हमें लग प्यास रही होती है लेकिन हम कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं सो बेसिकली वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए एंड उस पर फ्लूड्स का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए चाहे आप सादा पानी ना भी पिए आप लेमन वाटर ले सकते हैं आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं ग्रीन टी ले सकते हैं लेवेंडर टी ले सकते हैं बेसिकली फ्लूड्स का इंटेक आप अपना अच्छा रखें इसके साथ साथ हेल्दी स्नैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो लोग ये कहते हैं कि हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता फिर हम डिनर ही करते हैं आप देखिए ऐसे लोगों का वेट यूजली ज्यादा होता है बिकॉज जब वो नाश्ता करते हैं तो वो ज्यादा खाते हैं ये सोच के कि अब हमने रात को खाना और जब वो रात को खाते हैं वो ये सोच के खाते हैं कि हमने पूरे दिन का खाया नहीं हुआ तो रात में भी ज्यादा खाया जाता है नाश्ता भी ज्यादा किया जाता है हेल्दी स्नैक्स जरूरी होते हैं हेल्दी स्नैक्स में हमारे पास क्रीक योगट आ जाता है हमारे पास कैरेट एंड क्यों कंबर स्टिक्स यानी कीड़ा और गाजर पकड़ के वो खा लें बेबी कैरेट्स मिलती हैं अगर आपके यहाँ तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं चेरी टोमेटोस का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रूट्स बहुत अच्छे स्नैक्स हैं फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है दूध बहुत अच्छा स्नैक है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ग्रीन टी लेमन ग्रास टी ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल भी स्नैक्स के तौर पर किया जा सकता है या योगट के अंदर फ्रूट एड करके फ्रूट योग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है नट्स भी बहुत हेल्दी स्नैक की सर्विंग के अंदर आते हैं सो हेल्दी स्नैक्स भी आपके होने चाहिए इसके साथ साथ प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे बहुत सारे पेशेंट जब पाकिस्तान से दूसरे मुल्क शिफ्ट होते हैं तो वो जब कंसल्टेशन लेते हैं वो ये कहते हैं कि हम जैसे ही पाकिस्तान से शिफ्ट किया हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया बिकॉज जब हम पाकिस्तान से शिफ्ट करते हैं हलाल हराम की वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाते साथ ही सेटल होते होते हलाल हराम की डिफरेंस की वजह से वो प्रोटीन नहीं खा पाते वो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पिज्ज़ा खा रहे हैं तो चीज़ पिज्जा खा रहे हैं बिकॉज चिकन खा नहीं सकते फिश जो है वो अक्सर उसी तेल में तली जाती है जिस तेल में पोर्क तला जाता है जिसकी वजह से वो फिश भी नहीं खा पाते तो करते कराते कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होने की वजह से ऑल दो कैलरीज फिफ्टीन है मगर वो फिफ्टीन की फिफ्टीन हंड्रेड जो है वो अगर कार्बोहाइड्रेट से या डेयरी से आ रही है या फ्रूट शुगर से आ रही है तो फिर ज़ाहिर है वो वेट गेन कराएंगी प्रोटीन का एक सर्टन सेक्शन होना चाहिए जैसे अगर आप लंच कर रहे हैं अपना तो लंच के अंदर सब्जी के साथ गोश्त चिकन मटन फिश कुछ ना कुछ होना चाहिए या रोटी ना खाएं तो दाल जो है वो आप चम्मच से खा सकते हैं प्रोटीन इंटेक जरूरी है वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग बहुत अच्छा डाइट प्लान फॉलो करते हैं मगर उनका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा होता है डाइट के अंदर वो लंच या डिनर मिस करके अपना प्रोटीन इनटेक ही पूरा नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस जो है वो सही तरीके से नहीं होता इसी तरह फैट्स इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस पर मैं अक्सर बात करती हूँ कि जब आप डाइट प्लान शुरू करते हैं तो प्लीज डाइट के अंदर से फैट्स को इलिमिनेट नहीं करना इस बात का मतलब यह है कि लोग ये शुरू कर देते हैं खाना उबाल उबाल के लेना शुरू कर देंगे हेयर फॉल शुरू हो जाएगा ड्राइनेस शुरू हो जाएगी स्किन खराब हो जाएगी लेकिन वेट लॉस भी नहीं होगा सो फैट हेल्दी फैट्स आपकी डाइट के अंदर जरूर होने चाहिए जो कि चिया सीड्स की फॉर्म में या दूसरे सीड्स की फॉर्म में हो सकते हैं नट्स की फॉर्म में हो सकते हैं फिश के फॉर्म में हो सकते हैं या देसी घी की बटर की या हेल्दी ऑयल की फॉर्म के अंदर हो सकते हैं इसके साथ साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है वेजिटेबल्स फाइबर का एक अच्छा और हेल्दी सोर्स है अगर डाइट में वेजिटेबल्स नहीं होंगे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हमसे सैलेड नहीं खाया जाता जब हम सैलेड नहीं खाते फाइबर नहीं होता या तो कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है या पेट ही नहीं भरता सो प्रोटीन एंड फाइबर दो चीजें अगर आपकी पूरी नहीं हो रही तो अक्सर लोगों का वेट इसी वजह से स्टक होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को डाइट के अंदर जरूर रखें ताकि आपका जो एक आ, फाइबर का सेक्शन है वो पूरा हो सके इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है तो फिर आपने इस भगोल का इस्तेमाल मजीद फाइबर के इनटेक को बढ़ाने के लिए करना और अगर किसी वजह से आपको इस पगोल सूट नहीं करता तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिक्स या रेजन जो है वो पानी में भिगो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है डेयरी सेक्शन भी होना चाहिए बिकॉज डेयरी सेक्शन की अपनी एक अफादियत है और ये भी आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है सो डेयरी सेक्शन की भी एक सर्विंग जो है वो डाइट के अंदर जरूर होनी चाहिए

जो वेट मैनेजमेंट है उसमें मसला आ सकता है ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने लाइफ के अंदर इनकॉपोरेट करेंगे तो आपका स्टक वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा इन चीजों पर थोड़ा सा काम करें हेल्दी स्नैक्स हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाए आपका वेट लॉस बेहतर तरीके से हो सकेगा